हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर अपन स्टडी करेंगे एसिड्स क्या होता है। ये अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी की सीरीज चल रही है, जिसकी सेकंड प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री ऑफ द लाइफ। तो उसका एक छोटा सा अपना टॉपिक निकल के आ रहा है एसिड। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात की थी, उनका इम्बेलेंस क्या था, उसके बाद कंपाउंड क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें अपने स्टडी की थी। तो उन सबकी प्लेलिस्ट आप अपने चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, या फिर आई बटन पर आपको वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए गाइज, आज का आप टॉपिक स्टार्ट करते हैं एसिड। वट इज एसिड? जैसे मैंने एसिड का नाम लिया, आपके माइंड के अंदर कुछ तो आया ही होगा, क्योंकि आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और अभी पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो आप। तो एसिड से क्या आपके माइंड में आया है? तो वही एसिड का सेम कंसेप्ट जो आपके माइंड के अंदर आ रहा है, वही ये सेम आप अभी बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है कि एसिड क्या करता है, हाइड्रोजन को रिलीज करता है। क्या करता है? हाइड्रोजन आयन्स को रिलीज करता है। जैसे कोई भी सॉल्यूशन के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। और देन इसके बाद अपने एसिड का पीएच क्या होगा, 7 और 7 से कम होगा। ये अपना पीएच स्केल है, ये अपना 0 हो गया, और ये इस तरफ और ये इस तरफ एसिड होंगे और इस तरफ बेस होंगे। तो ये 0 है, ये फिर ये देखिए गाइस, ये यहाँ 7 है और ये 0 है, और ये अपना 14 हो गया। तो यहाँ वाला ये रीजन होगा अपना एसिड का, ठीक है। यहाँ इस तरफ एसिड और इस तरफ बेस, और जैसे ये इस तरफ आते जाएंगे इनकी वैल्यू कम होती रहेगी, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता रहेगा। और सेम उसका बेस के अंदर कंसेप्ट है, ये अपना पीएच स्केल है रफ। देन उसके बाद अगर बात की जाए तो ये अपने को एसिड दो टाइप के देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। अभी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आप पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं, उनकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, उसके बेस पे फिर अपन एसिड्स को डिफाइन कर देंगे। उसके बाद होगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सो देन गाइस, यहां स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के एग्जांपल क्या क्या होंगे, वो भी एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहां बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो। देन उसके बाद अगर एसिड की बात की जाए तो इनका टेस्ट क्या होगा, सोर टेस्ट होगा, खट्टे होंगे चखने में, इनका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा। और जो लिटमस पेपर है, जो पीएस पेपर बोलते हैं, लिटमस पेपर है वो, उस ब्लू को ये क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। अगर कोई भी सब्सटेंस उस ब्लू पेपर को रेड करे तो आप समझ सकते हैं उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी है और वो एसिड है सब्सटेंस। देन उसके बाद ये कुछ क्या है, देखिएगा, ये कोई भी एसिड है और ये बेस है, और ये क्या होगा, सॉल्ट अभी बन जाएगा, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। एक बार आप स्पेलिंग तो ठीक है, वैसे एक बार चेक करें ना, बाकी आपको समझ आ रही होगी। ये होगा न्यूट्रलाइजेशन एसिड, जैसे Na हो गया एसिडिक और Cl हो गया, तो ये क्या बन गया, NaCl, ये हो गया क्या बन गया, एसिड बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, मीन्स यहाँ एक साल्ट बन गया। इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। देन ये कवर हो गया। देन अगर बात की जाए तो ये एसिड अपना प्लांट्स में देखने को मिलेगा, या अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। प्लांट्स के अंदर जैसे सिट्रिक एसिड, मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात की जाए तो ऑरेंज के अंदर ये देखने को मिलेगा, उसके साथ अपने को लेमन्स के अंदर ये देखने को मिलेगा। देन उसके बाद क्या होगा गाइज, ह्यूमन बॉडी के अंदर अपने को HCl देखने को मिलता है, जो कि अपने स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है या स्टमक के अंदर बनता है। तो ये क्या, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये डाइजेशन में हेल्प करेगा, और सेकंड कोई भी फूड के अंदर वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो उनको ये एसिडिक नेचर के कारण उनको क्लिक कर देगा, मीन्स क्लिक मीन्स उनको किल कर देगा। देन यहाँ कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट होगा सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, बोरिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड, है ना, ये डबल हो गया, कोई बात नहीं, बोरिक एसिड, एस्कोर्बिक एक्सेट्रा, सोन, बहुत सारे एसिड्स हैं। तो गाइज ये था एक छोटा सा कंसेप्ट अपना एसिड का, जो कि अपना केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के अंदर अपना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर अपना बेस के बारे में बात करेंगे। और हाँ गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे डायरेक्ट कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाकर भी पूछ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर इसके नोट्स चाहिए तो आप अपने डॉक्टर इनसाइड एकेडमी ब्लॉग्स पर जाकर चेक कर सकते हो, तो वहाँ आपको ये ब्लॉग इन डेप्थ मिलेंगे। या तो मैंने बेसिक से बातें बता रखी, वहाँ सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप पर्सनल नोट्स बना रहे हो तो आप वहां से कंपेयर कर सकते हो, वहां से आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, लिंक आपको उसी का भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।